नमस्कार साथियों साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेस में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आज हम लेते हैं हिंदी, जो कि UPPET में काफ़ी रोल निभाएगा, तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कौन सा हिंदी। तो सबसे पहले डालिए आप हिंदी। हिंदी में हमको क्या पढ़ना है, देखो बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे, तो कोई ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले डालिए, सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या होता है, ठीक है। तो वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध क्रम, क्या कहलाता है वर्णमाला। अब इसमें मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले क्या आया, वर्ण। तो देखो वर्ण क्या होता है, लिखो वर्ण क्या होता है, वर्ण होता है जिसके टुकड़े, लिखो जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें, जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाता है। वर्ण के बाद आता है आपका अक्षर, ये क्या होता है, अक्षर होता है आपका, देखो देखो यहां से देख लो, क्षर क्षरण, आ जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसका क्षरण ना किया जा सके, अर्थात लिखो जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके, कम या नष्ट ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है आपका अक्षर। दूसरा लिख लो बर्ड की मौखिक इकाई क्या कहलाती है अक्षर, वर्ण की मौखिक इकाई क्या कहलाती है अक्षर। तीसरा लिख लो भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई क्या कहलाती है अक्षर। तो ये अक्षर समझ में आ गया, अब लिख लो ध्वनि, ध्वनि में लिखो सबसे पहले, लिखो प्रत्येक वर्ड में, प्रत्येक वर्ड में, प्रत्येक वर्ड में एक साउंड होती है, एक साउंड होती है, प्रत्येक वर्ड में एक साउंड होती है जो दूसरे वर्ड से भिन्न होती है, जो दूसरे वर्णों से भिन्न होती है, भिन्न होती है, वो ही क्या कहलाती है आपकी, ठीक है, उसी को ध्वनि कहते हैं। जैसे का खा, तो सबकी जो साउंड है अलग अलग है, सबकी साउंड कैसी है अलग अलग, तो यही क्या कहलाता है ध्वनि, यही क्या कहलाता है ध्वनि। तो इतना नोट कर लिया होगा। अब आता है क्वेश्चन, आपको नोट करा देते हैं, पहले रब कर देते हैं, देखो तो ये तो नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। अब लिखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक, भाषा की सबसे छोटी निम्नतम लघुत्तम इकाई कौन सी है, इकाई कौन सी है। तो देखो ऑप्शन लिख लो, अक्षर, बर्ड, ध्वनि, चौथा लिखना चाहो तो लिख लो पद। तो भाषा की सबसे छोटी निम्नतम लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो आपको इन चारों में से बताना है भाषा की सबसे छोटी और जो निम्नतम इकाई है वो कौन सी है। तो आप सबको पता है, ठीक है, ध्वनि, ध्वनि से ही बनता है बर्ड, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे थर्ड, ठीक है। अगर इसका सही क्रम लें तो सही क्रम क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम, ध्वनि
ध्वनि से ही बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बनता है? बर्ड। बर्ड से बनता है अक्षर, अक्षर के बाद आता है तुम्हारा पद। तो ये इसका सही क्रम होगा, ये इसका क्या होगा, सही क्रम होगा। उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा, रब कर देते हैं इसको भी। अब देखो, अगर अब देखो इसका हम पूरा बता देते हैं, एक आरोही क्रम नोट कर लो, कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। आरोही क्रम क्या होता है? तो देखो सबसे पहले क्या आता है, आपको पता है ध्वनि, ध्वनि से ही क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या आता है बर्ड, बर्ड के बाद क्या आता है अक्षर, अक्षर के बाद क्या आता है शब्दांश या उपसर्ग, इसके बाद क्या आ जाता है शब्दांश उपसर्ग पद, इसके बाद क्या आ जाता है पदबंध, ठीक है, पद पदबंध उपवाक्य वाक्यांश या शीर्षक, इसके बाद क्या आ जाता है वाक्य, वाक्य के बाद मेरे भैया क्या आता है, देखो सबसे पहले ध्वनि, बर्ड, अक्षर, शब्दांश उपसर्ग, शब्दांश उपसर्ग, इसके बाद क्या आया था पद, नहीं शब्द, शब्द, फिर आएगा पद, फिर आएगा तुम्हारा पदबंध, उपवाक्य, वाक्यांश, शीर्षक, वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद अध्याय, क्या आएगा अध्याय, अध्याय से क्या मिल, ठीक है, अगर सभी अध्याय मिला दें तो क्या बन जाएगा, अध्याय के बाद आएगा रचना, और रचना के बाद आएगी आपकी पुस्तक, ठीक है, पुस्तक के बाद आ जाएगा आपका काव्य, और काव्य के बाद आ जाएगा आपका ग्रंथ, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो आरोही क्रम क्या है, सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्दांश उपसर्ग, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्यांश, शीर्षक, ठीक है, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, रचना, पुस्तक, काव्य और ग्रंथ, ये चीज आ जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखो, अब सबसे पहले आपको पता है बर्ड क्या होता है, जैसे बर्ड कुछ भी ले लो, मान लो ये ले लिया क, मा और ला, ये बर्ड हो गए। अगर बर्ड ये हो गए तो इसके बाद हम पूछें शब्द क्या होगा, ठीक है, शब्द, तो शब्द क्या हो जाएगा कमल, पद क्या हो जाएगा कमल का फूल, कमल का फूल, ठीक है, वाक्य क्या होगा, वाक्य क्या होगा कमल, कमल जल में खिलता है, कमल जल में खिलता है, ये क्या हो गया मेरे भैया वाक्य, ठीक है, नोट करो इसको, पहले जल्दी से नोट कर लीजिएगा, रब कर देते हैं। आगे देखो, अब आइए, ठीक है, तो आपने ये देख लिया, इसके बाद आ जाइए बर्ड कितने टाइप के हैं, तो बर्ड के प्रकार, बर्ड के प्रकार, तो बर्ड के कितने प्रकार हैं मेरे भैया, तो आप बोलोगे तीन, बर्ड के प्रकार कितने हैं तीन, कौन, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, कितने प्रकार हैं तीन, स्वर, व्यंजन, इसे बोलते हैं अयोगवा, ठीक है, अयोगवा, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। अब सबसे पहले देख लो अयोगवा, अयोगवा क्या होता है, लिखो अयोगवा में, लिखो ये एक प्रकार के, लिखो ये एक प्रकार के चिन्ह हैं, जिन्हें, जिनका प्रयोग बर्डों के साथ होता है,
साथ होता है, या लिख लो और देखो, इनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात इनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात ऐसे लिख लो, अर्थात ये दूसरे वर्णों के साथ, अर्थात ये वर्णों के साथ, ये लिखो, अर्थात ये वर्णों के साथ सार्थक अर्थ बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, सार्थक अर्थ बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अब आपसे पूछ लेगा अयोगवा कितने प्रकार के हैं। तो अयोगवा होते हैं मेरे भाई लोगों, अयोगवा होते हैं किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार चार प्रकार के। तो कौन कौन से? सबसे पहले विसर्ग, ये वाला, दूसरे पर लिख लो अनुस्वार, तीसरे पर लिख लो, ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु लिख लो या हलंत लिख लो, हलंत। चौथे पर होता है अर्धचंद्र बिंदु, ये होते हैं अयोगवा के प्रकार, ठीक है। किसके अनुसार? किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवा के चार प्रकार हैं, विसर्ग, अनुस्वार, हलंत और अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है, ये तो रब कर लिया होगा, सबने नोट कर दिया, तो रब कर देते हैं। अब आओ देखो, पढ़ क्या रहे हैं, अयोगवा के प्रकार। और मूल अयोगवा कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मूल अयोगवा, ठीक है, मूल अयोगवा के प्रकार होते हैं आपके विसर्ग और अनुसार। और कौन से होते हैं? अनुसार, ये वाले और ये वाले। अब इनके देखो एग्जाम्पल देखने हैं आपके, विसर्ग के एग्जाम्पल, जैसे प्रातः, दुख, प्राय, पुनः, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? विसर्ग के। अनुसार के देख लो, संयम, संसार, संस्कार, ये कब किसके हो जाएंगे? सब इसी के हो जाएंगे, ठीक है, संयम, संसार, संस्कार। हलंत के कौन से हो जाएंगे? मिट्टी, पाठ्य, गद्य, द्वारा, ठीक है, द्वारा, वरण। अर्धचंद्र बिंदु के गांव, मुंह, चांद, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? अर्धचंद्र बिंदु के। तो नोट कीजिएगा, नोट कर लिया होगा, रब कर दें। आगे देखो नेक्स्ट, अब लिखो स्वर। स्वर क्या होते हैं? डेफिनेशन लिखो, लिखो जिन वर्ण, लिखो सबसे पहले जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से हो, बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से हो, सहायता से हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। दूसरा लिख लो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो,
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो वो क्या कहलाते हैं? स्वर। अब लिखो स्वर के प्रकार। सबसे पहले स्वर के प्रकार से पहले आपको पता होना चाहिए टोटल स्वर कितने होते हैं। तो लिखो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 11। कौन सी? आ आ, ई ई, ऊ ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, आओ। हिंदी में 11, संस्कृत में कितने हैं? 13। प्राकृतिक में कितने हैं? आप बोलोगे 10। 13 कौन से हो जाते हैं? देखो 11 तो यही है, दो और हो जाते हैं, एक ये बड़ी री और ल रे। 13, 10 कौन से होते हैं? इसमें से री निकल जाता है, तो कितने हो जाते हैं? 10। तो स्वरों की संख्या हिंदी में पूछे तो कितनी? 11। संस्कृत में पूछे तो कितनी? 13। प्राकृतिक में पूछे तो कितनी? 10। इस पर टिक करना है, इसके अलावा किसी पर टिक नहीं करना। कहाँ है टेस्ट? रब कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब आओ स्वर के प्रकार, ठीक है। देखो स्वर के प्रकार, तो स्वर के कितने प्रकार हैं? तो स्वर के प्रकार हैं आपके 4। सबसे पहले लिखो उच्चारण, या ऐसे लिखो मात्रा या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के? तो आप बोलोगे 3। कौन कौन से? सबसे पहला दीर्घ, दूसरा, ठीक है, सबसे पहला अस, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। तो देखो अस सबसे पहले किसके आधार पर? मात्रा उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा क्या होती है? लिखो किसी वर्ण को बोलने में लगा समय, किसी वर्ण को बोलने में लगा समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाती है। तो अस स्वर कौन से होते हैं? एक मात्रिक, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, तो इसको बोलते हैं हम एक मात्रिक, या इसी को बोलते हैं लघु स्वर या मूल स्वर, या मूल स्वर जैसे आ। दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में दो मात्रा का समय लगे, तो इसे बोलते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। या देखो ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है, तो इसको बोल देते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। और इसी को बोल सकते हैं हम जब दो वर्णों से मिला है तो संधि स्वर, संधि स्वर जैसे आ। कैसे बना है? आ प्लस आ से, आ प्लस आ से बना है आ, प्लस स्वर पे आ जाइए, इसे बोलते हैं त्रिमात्रिक, जिसमें तीन मात्रा का समय लगे, त्रिमात्रिक। अर्थात इसको बोलते हैं विशाल स्वर, ठीक है, विशाल स्वर। या ऐसे भी बोल सकते हैं पवित्र स्वर, पवित्र स्वर, जैसे आपने देखा होगा ओम। तो ओम में ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका तीन मात्रा का, तो कैसे यूज चल रहा आजकल इस टाइप से, तो ये क्या होता है? ओम। कौन सा है? प्लस स्वर। कौन सा है? प्लस स्वर। तो देखो सबसे पहला पढ़ा हमने मात्रा और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 3। कौन से? अश्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर। अश्व स्वर एक मात्रिक, या लघु स्वर, या मूल स्वर जिसे आ। द्विमात्रिक, दो मात्रा का समय लगे, इसी को संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि दो सब वर्णों से मिल से बनता है, या संधि स्वर कहते हैं। प्लस स्वर त्रिमात्रिक, विशाल स्वर या पवित्र स्वर, क्योंकि इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। रब कर देते हैं। अगला ये, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा लिखो, सबसे पहला था मात्रा के आधार पर, दूसरा लिख लो किसके आधार पर, ऐसे लिख लो मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर, ये लिखो ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। तो कौन से हो जाएंगे? लिखो ओष्ठाकृति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होते हैं वृत्तीय और एक होते हैं अर्धवृत्तीय, ठीक है, अर्धवृत्तीय।
कहने का मतलब जिसमें आपका जो होठ हैं पूरे इस शेप में लें, गोलाकार शेप में, और ये अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्तीय बोल लो या वृत्ताकार लिख लो, जो भी लिखना चाहो समझ लो वृत्तीय, या इसको बोल सकते हो वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार, और इसको बोल सकते हो अर्धवृत्ताकार। तो कौन कौन से में होता है ओ, तो आपको पता है किस में होता है, देखो ओ ओ उ उ ओ ओ ओ आओ, रे रे में नहीं होता, बाकी के सात बच्चे इसमें हो जाएंगे, आ आ ई ई उ हो गए, रे रे, और कौन सा बच्चे ए आई, दो तीन सात और चार ग्यारह, तो ये इसमें हो गए वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार। नोट कीजिए, तो देखो यहां से कितने हो गए चार, यहां से कितने हो गए सात, टोटल कितने हो जाएंगे ग्यारह। आगे लिखो कांडेस्ट, ठीक है, अगला लिख लो, दो हो गए, आगे लिखो, देखो तीसरा, जीहवा की आकृति के आधार पर, जीहवा की आकृति के आधार पर, जीहवा की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले लिख लो जीवा की आकृति के आधार पर, जीव कैसे होती है, ये वाली, तो ये चोंच इसको बोलते हैं अग्रस्वर, ये बीच वाली इसको बोलते हैं मध्य, और लास्ट वाली को बोलते हैं इस वाली को पक्ष, ठीक है ना, पक्ष स्वर, अग्रस्वर। तो कौन कौन से होते हैं, इसे बोलते हैं कौन सा, चलो इधर ही लिख देते हैं पश्च, इसे बोलते हैं मध्य, इसे बोलते हैं मेरे भैया अग्र, इससे कौन कौन से बोले जाते हैं, तो लिखो ई ई, ई ई बोले जाएंगे तो फिर ए भी बोले जाएंगे, तो देखो ई, देखो ई ई ए ए री, किससे बोले जाते हैं, इसी से बोले जाते हैं। इसके बाद मध्य स्वर से कौन सा आता है, आ, पच्च स्वर से बचे कौन से, देखो आ आ आ बड़ा बचा, ई ई हो गया, उ उ ए हो गया, ओ आओ, देखो यहाँ कितने हो गए टोटल चार, यहाँ एक पाँच, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ भी कितने हो गए पाँच, तो एक कौन सा बच गया, देख लो ए आई ऋषि, आ उ, ठीक है, आ ई ई, अच्छा ये ई ई तो ये हो गया, ए ए ओ ओ, एक दो तीन चार पाँच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह, पाँच है ना यहाँ, तो गलत क्यों कर रहे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, कुल स्वर ग्यारह, कुल स्वर कितने हो जाएंगे मेरे भाइयों, ग्यारह, नोट कर लिया, रब कर दें, अगले पर आओ, नेक्स्ट लिखो मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, लिखो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला समवृत्त, दूसरा विवृत्त, तीसरा लिख लो अर्ध समवृत्त, चौथा लिख लो अर्धविवृत्त। इसमें समवृत्त का मतलब क्लोज, विवृत्त का मतलब ओपन, अर्ध समवृत्त हाफ क्लोज, हाफ ओपन। तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे, समवृत्त आपका बंद है, तो ई ई देखो पूरा बंद है कि नहीं, ई ई उ उ रे, ई ई उ उ रे, ठीक है, विवृत पूरा खुला हुआ है, आ आ आ पूरा खुला हुआ है तो आ,
ठीक है, आ पूरा खुला हुआ है, अर्ध सम्राट में कौन से हो जाएंगे, मतलब मुंह सुकड़े, आ ठीक है, तो मुंह सुकड़े तो कौन सा हो जाएगा, देखो मुंह सुकड़ने के लिए कौन सा हो जाएगा, अर्ध सम्राट, आ देखो मुंह सुकड़े, आ ए ओ, आ ए ओ, तो आ ए ओ, बाकी के बच्चे कौन से, ए और आओ, तो किस में हो जाएंगे, इसमें, तो सम्रत कौन से हो जाएंगे, ई ई उ, रे, विव्रत कौन से हो जाएंगे, आ, अर्ध सम्रत कौन से हो जाएंगे, आ ए औ, अर्ध विव्रत कौन से हो जाएंगे, ए औ, तो मुखाकृति के आधार पर कितने हो गए, चार। तो अब तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने वर्णमाला, वर्णमाला क्या कहती है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है, ठीक है, वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद पढ़ा था वर्ण, क्योंकि वर्णमाला में आया वर्ण, तो वर्ण क्या होता है, ठीक है, तो वर्ण होता है, ठीक है, जिसके हम टुकड़े या खंड ना कर सकें, जिसके हम टुकड़े या खंड ना कर सकें वो कहलाता है वर्ण। जैसे आ, इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अभी आपको बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, ठीक है, और ध्वनि से बड़ी कौन सी हो जाती है, ध्वनि से ही बनता है वर्ण, वर्ण से बनता है अक्षर, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि। इसके बाद पढ़ा था हमने, ठीक है, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार होते हैं तीन, कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अयोगवा क्या होता है, तो अयोगवा एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका स्वयं में कोई महत्व नहीं है या स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे वर्णों के साथ सार्थक रूप से, मतलब सार्थक अर्थ बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं, किसके अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, कौन सा, सबसे पहले विसर्ग, उसके बाद अनुसार, हलंत और अर्धचंद्रबिंदु, फिर सबके एग्जाम्पल कराए थे हमने। इसके बाद पढ़े थे हमने अयोगवा के बाद आए स्वर, तो स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर के प्रकार बताए थे हमने चार। अगर पूछे स्वर कितने, हिंदी में कितने स्वर हैं, तो हिंदी में स्वर होते हैं कितने, 11। प्राकृतिक में कितने होते हैं, 10, और संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, 13। और इसके बाद हमने पढ़े थे स्वर क्या होते हैं, मतलब जिनका स्वतंत्रतापूर्वक उच्चारण हो वो क्या कहलाते हैं, स्वर। स्वर के प्रकार पढ़े थे चार, सबसे पहला पढ़ा था हमने किसके आधार पर पढ़ा था, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, तो कौन कौन से थे, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगे जैसे आ, दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा का समय लगे जैसे बड़ा, इसी को कहते हैं संयुक्त स्वर और संधि स्वर। तीसरा प्लुत स्वर जिसमें तीन मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर, जैसे ओ, ठीक है, इसी को कहते हैं विशाल सर। इसके बाद पढ़ा था हमने मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर पढ़ा था, ठीक है, तो समृद्ध विव्रत, अर्ध समृद्ध, अर्ध विव्रत, और फिर पढ़ा था हमने ओष्ठाकृति के आधार पर, कैसा, वृत्ताकार और वृत्ताकार। उसके बाद पढ़ा था हमने किसके आधार पर, जीवा के आधार पर, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। तो आज हमने इतना कवर किया, कल पढ़ेंगे कौन सी रह गया अभी हमारा, देखो स्वर के प्रकार, अयोगवा पढ़ लिया और स्वर पढ़ लिया, अब पढ़ाएंगे व्यंजन, तो कल पढ़ेंगे उसके लिए व्यंजन को, तो कल को मिस न मत करना, और आज जितना भी पढ़ाया उसको पढ़ के आना, और बाकी के जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको सब जगह शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।